हेलो फ्रेंड्स, आइए देखें मीन राशि वालों के लिए ये वीक क्या कहता है। वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अप्रैल टू 4 मई, ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है दोस्त। इस वीक में आपको कोई भी परेशानी आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, मीन्स ये वीक आपका बहुत स्मूथ जाने वाला है। आपके परिवार में, आपके घर में किसी कारण से कोई टेंशन चल रही है तो वो सारे के सारे इस बार वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली है। अब बस थोड़ा बहुत आपको परेशानियों का हो सकता है वो है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। टेक केयर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, किसी भी प्रकार की आप ऐसा काम ना करें कि परेशानी में घिर जाएं। आय में वृद्धि होने वाली है, मैंने तो आपको शुरू में ही कह दिया ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप यदि किसी प्रोफेशन में हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो तेज़ी रहेगी, मीन्स आपका बिजनेस अच्छा चलने वाला है, फ्लरिश करने वाला है। और आप जॉब में हैं तो आपका कामकाज सिस्टमैटिक रहने वाला है, तो मतलब वहाँ भी आपको सक्सेस ही मिलने वाली है। जो लोग हायर एजुकेशन की सोच रहे हैं उनका हायर एजुकेशन में अच्छा होने वाला है, उनका रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। आपको एक ही चीज़ की वार्निंग दी जा रही है कि खान पान का ध्यान रखिए, नहीं तो इनडाइजेशन हो सकता है। और यू नो इनडाइजेशन रिजल्ट्स इन लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, तो ध्यान रखिए खान पान का, पानी अधिक से अधिक पीजिए। प्रेमी के साथ विवाद होने की संभावना है, प्रेमी और प्रेमिका के साथ किसी भी बात पर आपकी बहसबाजी हो सकती है। तो अब आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो कोशिश कीजिए कि वहाँ तक नौबत न पहुँचे। वैसे मैरिड लाइफ, यदि आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ अच्छी रहने वाली है। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप घर में या मंदिर जाकर श्री राधा कृष्ण के मूर्ति के दर्शन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका जीवन सुखी रहे। दोस्तों इन सारी चीज़ों का फॉलो कीजिए, इन सारी चीज़ों को मानिए, आपका सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। सी यू सून फ्रेंड्स, बाय।